उत्तर प्रदेश केंद्रीय पत्रकार हेल्प एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इमरान आजमी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद, प्रदेश मंत्री जिशान खान ने संगठन के माध्यम से पीड़ित पत्रकारों की उठाई आवाज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ बिहार। मैं हूँ आपके साथ तनुश्री तिवारी। गोसाईगंज थाना प्रभारी शैलेंद्र गिरी दिया अनुशासन, किसी भी पत्रकार के विरुद्ध झूठा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, निष्पक्ष जांच के बाद ही कोई आदेश दिया जाएगा। मैं पत्रकारों के लिए हमेशा खड़ा हूं और पत्रकारों का मान सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। और संगठन के सभी पदाधिकारी ने की थी मुलाकात और दिया था अनुशासन। केंद्रीय पत्रकार हेल्प एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इमरान आजमी एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी के दिशा निर्देश के अनुसार विश्वनाथ प्रसाद जी को केंद्रीय पत्रकार हेल्प एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा कि विषय पत्रकारों व मीडिया कर्मियों के खिलाफ झूठे मुकदमों पर रोक लगाने हैं, पत्रकारों की हत्या और पत्रकारों को कवरेज के दौरान उनके साथ पुलिस व माफिया गुंडों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करना व पत्रकारों के साथ मारपीट एवं पत्रकारों पर रंगदारी छेड़छाड़ एवं पत्रकारों पर फर्जी 376 जैसी गंभीर धाराओं में फर्जी केस में झूठा फंसाकर जेल भेजना और दबंग गुंडे माफियाओं के साथ मंथली लेने के चक्कर में पुलिस उनसे मिली भगत करके माफियाओं की बाबत पत्रकारों से बदले की भावना में बदनाम व फर्जी झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल भेजना है। पत्रकारों को जितने ही पहले फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें दोबारा से उच्च स्तरीय जाँच कराकर निर्दोष पत्रकारों को छुड़वाना है। पत्रकारों पर बढ़ते हमले तत्काल प्रभाव से रोकने एवं फर्जी केस में फंसाने पर रोक लगाने एवं पत्रकारों को उचित सुविधा मुहैया कराने के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद जी को सभी पत्राधिकारियों ने गुलदस्ता और माला देकर सम्मानित किया तथा सभी पदाधिकारियों उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इमरान आजमी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद, प्रदेश मंत्री जिशान खान, गोविंद कुमार रिपोर्टर, स्वदेशी समाज संघ के संस्थापक समीर वर्मा, अंकित कुमार, अजय कुमार पत्रकार, राकेश कुमार पत्रकार, सुनैना पत्रकार, उन्नाव से जैगम नकवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीएन न्यूज बिहार। मैं किसान प्रसाद और केंद्रीय पत्रकार हेल्प एसोसिएशन से प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी के तत्वाधान में हम इस जो है संस्थान के जितने भी इसमें हमारे जुड़े हुए भाई हैं सभी ईमानदारी से काम करें और जहाँ भी अपनी योजना को बना करते कहीं खर्चा झुकाने वाला पर कोई काम ना करे जिससे हम लोगों के वहाँ जा कर के कोई नीचा दिखाए। ईमानदारी सच्चाई से छोटा हो या बड़ा हो कोई भी हो निष्पक्ष काम हमको करना है। इसके लिए हम तन मन धन से पूर्ण तैयार हैं और आखिरी दम तक जहाँ भी होगा वहाँ हम अपने आप को समर्पित कर देंगे। राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी भी इसमें तत्पर हैं और इनके ऊपर भी जितने पदाधिकारी हैं प्रदेश के अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष जितने भी हैं सब लोग यही मेरे जो कहना है कि सच्चाई ईमानदारी से अपने काम को करें, किसी का भी जो है अनभल ना करें या कहीं ऐसा कोई काम न करें वहाँ जा कर के कोई ये कहे कि आप का पत्रकार हो या चाहे संगठन का हमारा कोई कर्मचारी हो, हम लोग फिर आप कास्ट वाले काम हैं, हमको कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता है। इसलिए हम किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते गैर कानूनी। पत्रकार हमारा जो है खतरा उठा करके वहाँ जाता है, वीडियो बनाता है, फोटो लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पैसा लेकर और से पुलिस विभाग जो है उसको बढ़ावा देते हैं, पत्रकार को नीचा दिखाते हैं। ये चीज़ घूसखोरी हरामखोरी ये सब चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। निष्पक्ष आईएएस पीएस जितने भी हैं उनको ध्यान देकर के उस संबंधित थाने को इससे अगर संलिप्त है इसमें भ्रष्टाचार में तो उसको
दंड कड़ी से कड़ी दंड से कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे हमारा पत्रकार भाई सब जगह सीना उठा करके खुलेआम जो है वो समाचार लिखे, छापे और वीडियो बनाए, इसको कोई हस्ताक्षर न करे। मेरा कहना यही है, हम अभी इससे ज़्यादा बात करेंगे कोई जी। धन्यवाद।